इवनिंग ऑल क्रिकेटर्स लवर्स, हम लोग आज यहाँ सब जमे हैं, सारे क्रिकेटर्स कोचेज हैं, अंपायर्स हैं, कैनल अंपायर है, इंटरनेशनल अंपायर है हमारे साथ में। यस क्रिकेट फाउंडेशन की तरफ से ये सारा इंतजाम किया गया है। यस क्रिकेट फाउंडेशन और यासीन सर ने इस मुहिम को चलाया है कि ये बच्चे जो कि भारत के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए हुए हैं, ये बच्चों के लिए क्रिकेट में कोई अच्छा स्कोप मिले, क्योंकि यहाँ पे रूरल के बच्चे ज़्यादा आए हुए हैं, यूपी से है, एमपी से भी आए हुए हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से भी, और हैदराबाद के लोकल बच्चे भी हैं। हमारे यासीन सर, यस क्रिकेट फाउंडेशन का सबसे बड़ा एम यही है कि भारत के वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा ऊपर क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा है अब तक के, ये चाहते हैं कि बच्चों को, इन्होंने चारों भारत के हर जोन से जमा करके लाए हुए खिलाड़ी है ये, और यहाँ पर ये आज ये यहाँ पर अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ हैदराबाद में, तो यासीन सर इनको एक ऊंचे पैदान पे पहुँचाएंगे, ये भारत या एब्रॉड भी खेलने जा सकते हैं ये बच्चे। और यही यस क्रिकेट फाउंडेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये बच्चे यहाँ आज छोटे लेवल पर हैं, कल ये बड़ा लेवल जाकर खेल सकें। और हम लोग खुद, मैं खुद बॉम्बे से हूँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पैनल अंपायर हूँ मैं, ऐसे अंसारी, हम भी इस बच्चों को यहाँ सपोर्ट करने इसी के लिए आते हैं कि ये बच्चे आज ये तो कल अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने पूरे हैदराबाद का नाम रोशन होगा। सबसे बड़ी बात, यस क्रिकेट फाउंडेशन जो कि आज एक छोटे पैमाने पर शुरुआत कर रहा है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर ये नाम जाएगा, हर तरफ इनका नाम होगा, उनका बैनर होगा। यस क्रिकेट ने अपनी तरफ से इन बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जैसा जो किट होता है ऑस्ट्रेलियन टीम का, बिल्कुल उसी तरीके से दिया हुआ है। यूसुफ सर आए हुए हैं इनके साथ में यूपी से, यूसुफ शेख सर है इनके, यूसुफ सर यूपी से, उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। मुंबई में एमसीए का क्रिकेट खेल चुके हैं ये, और अब यूसुफ सर यूपी में है, बच्चों को तराश, हीरे तराशने का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं, और यस फाउंडेशन इनके साथ है, और ये एक मुहिम शुरू की गई है। हम सभी के बारे में, हम सबके लिए, सब ये चाहते हैं कि ये चर्चा हो, और ये बात अभी शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ पे आगे आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे बहुत आगे बढ़े, यस फाउंडेशन का नाम आगे बढ़े, और हम लोग का हमेशा सहयोग रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे अभी तक के इतना अच्छा नहीं कर सके वो उनको देख के मोटिवेट होना चाहिए कि मैं भी उतना अच्छा कर सकूं। और यूसुफ सर भी कुछ बताएंगे आपको क्रिकेट के बारे में, छोटे छोटे बच्चे जो आपका खास करके सक्षम है वो, उसके बारे में आप बताइए, आप उसके पीछे कितनी मेहनत किया, ये जाएगा ना सर, बताइए बताइए। नहीं, ये बच्चा मेरे 2 साल से मेरे आ रहा है, सक्षम सिंह नाम उसका, अभी देखो मेरे यहाँ एक बच्चा आकाश सैनी गुआ है, और मैं इसका भविष्य नहीं, ये मेरा भविष्य है, इतना समझ लीजिए, नौ साल मैं इसका भविष्य नहीं, ये मेरा भविष्य है। और ये जबान नहीं है, इसको बात नहीं कर सकता ये, लेकिन क्रिकेट खेल, एबीसीडी एक साल से मैं इसको सिखा रहा हूँ क्रिकेट की, अभी तुम बोल पूछेंगे आप लोग तो नो बॉल बता देगा, वाइट बॉल बता देगा, चौका है, ये है, गेट है, सब कुछ बताएगा ये, मगर मैं लकड़ी रख रख के इसको बताया हूँ कैसे नहीं चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये सारा समझता है, जवान नहीं समझ सकते, और ये तो आप लोग देखे ही हैं, बस ये बाकी आप लोग भाई बताएंगे, एक अच्छी मुहिम है हमारे भविष्य के लिए, शर्त यह है कि मेहनत आपको 80% करना पड़ेगा, 20% में तुम्हारे कोच का, तुम्हारे गार्जियन का हाथ रहता है, और उसी में तुम्हारा लक भी रहता है, ये मत सोचो कि लक के सहारे तुम 80% कवर कर लोगे, नहीं, एक एग्जांपल है कि आपके पास 20 रुपया तो आपको 100 रुपया इकट्ठा करने के 80 जगह हाथ फैलाना पड़ेगा, और 80 रुपया है तो 20 जगह हाथ फैला को तुम्हारा 100 हो जाएगा, तो आपको 80 करो 100 बैट्समैन के लिए मैं बोलता हूँ, मैं कि बैट्समैन तुम बैटिंग पे जाते हो तुम ये समझ लो कि मेरे से अच्छा बैट्समैन इस वक्त कोई नहीं, तो उस दिन तुम अगर नहीं रन बनाना तो मेरे को याद करना कि कोई कुछ बोला था, और बॉलर को ही बोलता हूँ कि बॉलिंग करने जाना ये बोल देना कि यहाँ कोहली ने कुछ नहीं, मेरे से अच्छा बॉलर कोई नहीं, मैं सेंटेट हूँ, मैं मिशन रिचार्ज हूँ, मैं सब कुछ, जब दिन ये दिन में तुम्हारे आ जाएगा तुमको कोई नहीं रोक सकता, बहते हुए पानी कोई नहीं रोक सकता है,
क्योंकि वे पानी सब डूबकी लगाते, तो तू लोग अभी बहते हुए बह जाओगे, जब धारा में जाकर हम भी मिल जाएंगे। मेरी परिवार सबके साथ है, तुम लोगों को भविष्य उज्ज्वल हो, देश का नाम रोशन करो, देश पांडंग नाम रोशन करो, बस ये मेरा कहना है। पंजाबी भी होंगे, हो सकता उनको नहीं मालूम होगा कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बात तोड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं मैं, वो कोच। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत में पहले एक धारणा बनी हुई थी कि हमेशा क्रिकेट जो है टॉप बड़े शहरों से आके क्रिकेट खेला जाएगा, जो इतने भी क्रिकेटर पहले आते थे, गावस्कर, वेंगसरकर, तेंदुलकर, ये सब बॉम्बे की टीम थी, बॉम्बे से बनते थे, अजीत आगरकर है ना, अजीत वाडेकर, दिलीप वेंगसरकर, ये सब महाराष्ट्र बॉम्बे से आके खेले। लेकिन इस धारणा को अभी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करना है कि क्रिकेट किसी की भी जागीर नहीं है और कहीं की भी छोटे से भी एक प्रदेश का बच्चा आके बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल सकता। हमारे बीच में इस वक्त इसी बात के मद्देनज़र इस वक्त हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे मोहित कुमार सर है, वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा नाम कभी हम लोगों ने सुना नहीं, लेकिन सर आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका आने का वक्त फाउंडेशन के लिए बताइए, कैसे जो आपका सफर है, कुछ करने के लिए आएंगे? वैसे तो यानी नाम तो सुना था यहाँ का, यानी वैसे नहीं सुना था ज़्यादा, लेकिन अब आए हैं यहाँ पे, बच्चों के लोग आके वहाँ पे परफॉर्मेंस किए, लखनऊ में ट्रायल था, हुआ था, तो वही दूसरे के सिलसिले से आना पड़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ पे लड़कों को बड़ी प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने का, और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आगे जाएंगे, और नहीं करेंगे तो क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट में परफॉर्मेंस जो करता वो तो जाते ही आगे। सुबह टॉस के टाइम उसने खुद